तो दोस्तों आ चुके हैं एक नए एप्लीकेशन को लेकर जिसमें कि मैक्सिमम लोन की अगर हम बात करें तो आप 5000 रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के जरिए से इंस्टेंट ले सकते हैं और भी अपने बैंक खाते में। बात करेंगे वहीं पर डॉक्यूमेंटेशन की, तो आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होनी चाहिए और एक सेल्फी के जरिए से आप इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर में अपने बैंक खाते में KYC कराने के बाद लोन को क्रेडिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है, सारा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ साथ ये बताएंगे किस तरह से रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, किस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, किस तरह हमें डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ साथ ये आपको बता दें, ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैंने ये भी चीज मेंशन किया होगा कि ये किन सिटी में अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है और मुझे कितनी की अप्रूवल मिली है, सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ साथ ये बताएंगे कि मेरे बैंक खाते में कितने लोन अमाउंट क्रिएट हुआ है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से एप्लीकेशन है, किस तरह से काम करती है। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पे वीडियो को करिएगा लाइक, हमारे चैनल पे पहली बार आया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंपॉर्टेंट होने वाली लोन एप्लीकेशन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले कि कौन से एप्लीकेशन है, किस जरिए से यहाँ पर हम इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के जरिए से अपने बैंक खाते में लोन अमाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होता, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं और ये भी चीज़ें बताएंगे कि मुझे कितनी की अप्रूवल मिली है और क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट शेयर करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद ही दोस्तों लोन के अप्लाई कीजिएगा। चलिए देखते हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है और किन सिटी में ये लोन सर्विस देने वाली है। तो दोस्तों फाइनली एप्लीकेशन को यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डाउनलोड करके ओपन कर लिया है और मुझे फाइनली अप्रूवल भी मिल चुका है। पर उससे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा अपने एक आधार नंबर के जरिए से, यानी कि आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी से आप यहाँ पर कोशिश करिएगा नंबर रजिस्टर करने की। चलिए मेरे आधार कार्ड से लिंक है मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पर सिंपली मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुकी है। तो आपको राइट साइड में यहाँ पर आपको गेट OTP का ऑप्शन मिलेगा, उस गेट OTP के जरिए से आपको वेरिफिकेशन अपने नंबर को कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट करना होगा, उसके बाद दोस्तों सिंपल लॉगिन कर लेना है। तो फाइनली यहाँ पर सारी चीज़ें रजिस्टर कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे से सबमिट कर लेना है, यानी लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड को पहले एंटर कर लेते हैं। तो फिलहाल जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड एंटर करने के बाद सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 5000 की लिमिट्स मिली है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पूरे डिटेल के साथ आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोन अप्लाई मैंने किया था और किस तरह से मुझे 5000 की लिमिट्स मिली है। तो दोस्तों हम अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं, उससे पहले ये जान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 25 जनवरी को लोन के लिए अप्लाई किया था, यानी सबमिट किया था, और 26 जनवरी को अप्रूवल भी मिल चुकी थी और मैंने 28 तारीख को यानी 28 जनवरी को लोन अमाउंट को अपने बैंक खाते में क्रेडिट भी कर लिया। फिलहाल यहाँ पर पेंडिंग रीपेमेंट है, यानी कि पे करने का ऑप्शन भी मुझे आ चुका है, यानी कि अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लिए तो किस तरह से रीपेमेंट करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था और मुझे फास्ट अप्रूवल मिली थी, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। बात करें अब वेरिफिकेशन सेंटर की, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कराने पड़ेगी और जिस अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट करना चाहते हैं बैंक इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर देने पड़ेगी। तो दोस्तों बात करें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की, तो आपको आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी और बैक कॉपी आपको अपलोड करना होगा, साथ साथ आपको यहां पर पैन कार्ड का फ्रंट कॉपी और एक सेल्फी आपको देनी होगी। जैसे यहाँ पर सारी डिटेल्स यहाँ पर फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपका सारा डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और साथ साथ आपका पिन कोड और एड्रेस भी ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने सारे डिटेल्स यहाँ पर फिलअप मैंने कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की,
पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ता है, जिसमें कि आप यहाँ पर फर्स्ट नेम आपका क्या है वो चीज आपको देनी पड़ेगी, साथ साथ मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आपकी ईमेल क्या है, किस कंपनी में आप काम करते हैं और आपकी सैलरी रेंज क्या है, किस माध्यम से आप अपने खाते में पैसे लेते हैं, चेक के जरिए से लेते हैं, ऑनलाइन कैश या फिर बैंक ट्रांसफर, वो सारी डिटेल्स देना पड़ेगा और रेसिडेंट एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों हम सो वन बाई वन चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम मैंने इंटर कर दिया है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मेरिटल स्टेटस और एक वैलिड ईमेल आईडी आपको देनी है और यहाँ पर मैं कंपनी का नाम यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी मैं यूट्यूब के जरिए से यहाँ पर पेमेंट रिसीव करता हूँ, तो यहाँ पर गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपको डाल देनी है। ऑक्यूपेशन में आप कुछ भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ ऑक्यूपेशन की, तो ऑक्यूपेशन में आप एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर मैनेजर क्या है अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिए, सैलरी रेंज सिलेक्ट कीजिए, या बैंक ट्रांसफर या फिर चेक के जरिए से रिसीव करते हैं अपने खाते में लोन को किस तरह से करते हैं। आप यहाँ पर कॉर्पोरेट ईमेल भी अपना दे सकते हैं साइट से। तो चलिए हम वही चीज़ यहाँ पर मैं फिलअप कर दे रहा हूँ, जैसे कि techandonlinesolution.gmail.com की। तो चलिए मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पर फिलअप पहले कर दे रहा हूँ। इस तरह से आपको जीमेल आईडी कॉर्पोरेट ईमेल में आप खुद का ही डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको रेसिडेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर शेयर करना पड़ेगी, जैसे मैं आपका पिन कोड क्या है, किस एड्रेस पर रहते हैं, पोस्ट क्या है, वो सारी डिटेल्स यानी फुल एड्रेस के रूप में आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल जेन्युइन दीजिएगा जो आधार कार्ड से मैच करता हो। तो चलिए सारे डिटेल्स मैंने वन बाई वन करके आपको फिलअप करके बता रहा हूँ कि किस तरह से वर्क करती है। फाइनली मैंने आपको पहले ही आपको अप्रूवल लेके और फिर बैंक खाते में लोन लेकर मैंने आपको बता दिया है, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पर लोन का रिपेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें डिटेल कुछ इसी तरह से अपने अनुसार फिलअप करिएगा। तो चलिए सारे डिटेल्स पहले कंप्लीट करके फिर आगे का प्रोसेस बता देंगे किस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल मैंने सारे डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट नंबर की, तो आपको फैमिली कॉन्टैक्ट नंबर में से आप किसी का भी नाम नंबर के साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने पड़ेगी कॉन्टैक्ट नंबर। वहीं पर बात करें फ्रेंड रेफरेंस नंबर की, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड सर्कल में भी किसी का भी नाम नंबर के साथ आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कराना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कर लेनी है सबमिट। तो चलिए मैं फटाक से यहाँ पर मैं फिलअप करके सबमिट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात आती है बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन की। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन में अगर आप चाहते हैं तो आप वही बैंक अकाउंट दीजिएगा जो आपकी बैंक अकाउंट एक्टिव हो। आपको आईएफएससी कोड यहाँ पर दर्ज करनी होगी और साथ साथ बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म करनी होगी अपने बैंक अकाउंट नंबर, वो सारी डिटेल आपको अपने हिसाब से फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं सबसे पहले अकाउंट नंबर वगैरह फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर फिलअप कर लिया है। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो फिलहाल ये देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली ये हो चुका है ऐड। अब दोस्तों सारी एप्लीकेशन ये 4 स्टेप में आपकी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए ₹1 हमारे बैंक खाते में क्रेडिट भी हुआ है इनके तरफ से। अब दोस्तों क्या करना क्या है, आपको अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं फाइनली। तो दोस्तों यहाँ पर अप्लाई वाले बटन के ऊपर दोबारा क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लोन एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए एक बार कि आपकी कितनी लिमिट है और कितने लोन टर्म आपको यहाँ पर मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 की लिमिट्स में 15 दिनों का ही लोन टर्म आपको मिलेगा और ये ₹4,000 आपके बैंक खाते में आने वाले। जब भी आप लोन को रिपेमेंट करेंगे तो ₹5,073 आपको पेमेंट करेंगे। अगर आज के डेट में अगर हम लोन लिए हैं तो 25 जनवरी 2020 को रिपेमेंट करना होगा, 8 फरवरी को लोन को रिपेमेंट करना होगा। तो दोस्तों अगर इमरजेंसी केस में आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आपको लोन मिलता है और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी इनका इंटरेस्ट हाई भी लग रहा है। तो दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स लेते हैं और आपके ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है तो ऐसे में आप यहाँ पर लोन्स के लिए बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए। इमरजेंसी केस में आप इस जगह से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और जेन्युइन एप्लीकेशन है। दोस्तों और भी ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें कि आपको 30 डेज से लेकर 60 डेज तक और साथ साथ ईएमआई के रूप में भी आप लोन को रिपेमेंट कर सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जरूर चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं सबमिट करके आपको लोन लेकर बताता हूँ कि कितने देर में हमारे बैंक खाते में क्रेडिट होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं द एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिट, द रिजल्ट विल बी सेंट बाय द एसएमएस, यानी कि एसएमएस के जरिए से मुझे बता दिया जाएगा कि मुझे अप्रूवल मिली है या फिर नहीं। तो चलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पर वेट कर रहा हूं, यहां पर देख सकते हैं फिलहाल ये सबमिट हो चुकी है और रिव्यू के लिए गया है। तो जैसे मुझे अप्रूवल मिलती है मैं आपको इसी वीडियो में शेयर प्रूफ कर दे रहा हूं।
तो दोस्तों फाइनली आ चुका है यहाँ पर, मुझे अप्रूवल मिल चुकी है इनके तरफ से, यानी कि देख सकते हैं स्वीट रूपी की तरफ से एक फाइनली मैसेज मुझे आ चुका है कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर लोन हैज बीन अप्रूव, प्लीज लॉग इन द ऐप, साइन द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्टैक्ट एंड द कन्फर्म द लोन डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर लोन एग्रीमेंट आप साइन करने की बारी आ गई है, यानी कि फाइनली मुझे अप्रूवल मिल चुकी है। तो सबसे पहले हम स्वीट रूपी एप्लीकेशन को ओपन पहले करते हैं और वहाँ का देखते हैं किस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर सबमिट के बाद यानी कि 25 जनवरी को मैंने लोन को अप्लाई किया था और अप्रूवल भी मुझे 26 जनवरी को यानी नेक्स्ट दिन हो गया। इस लोन को लेने के लिए जैसे आप इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर लोन डिटेल्स, लोन होल्डर, वो सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स आप यहाँ पर लोन एग्रीमेंट में आपके यहाँ पर सारी डिटेल्स होती हैं। तो एक बार जरूर इसे चेकआउट कर लीजिए, क्या लोन टर्म है, किस तरह से लोन हमें कवर कर रही है, क्या क्या चीज़ें हमें लोन्स के अगेंस्ट हमें जाना पड़ता है, अगर लोन आप रिपेमेंट नहीं करते तो क्या चीज़ें हो सकता है, सारी चीज़ें लीगली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स एक बार पढ़ लीजिए अप्रूवल फॉर लोन्स के लिए। तो दोस्तों इस लोन को अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रोसीड टू साइन वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपको वही नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, गेट सिक्योर वाले बटन के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो उस नंबर पे ओटीपी जाएगी और ओटीपी को यहां पर सिंपली पुट कर लेना है। जैसे इसके ऊपर यहां पर पुट करते तो आपका लोन एग्रीमेंट यहां पर साइन हो जाने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं ई साइन इन सक्सेसफुली हो चुका है और ओके वाले बटन के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्पर्सिंग के लिए रेडी हो चुका है। जैसे मेरे बैंक खाते में लोन आते हैं मैं आपको प्रूफ दे दे रहा हूँ। फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिला है कि 4000 रुपये आपके बैंक खाते में आ चुके हैं। यानी कि फाइनली यहाँ पर रिफ्रेश करके मैं एप्लीकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये मुझे प्रॉपर तरीके से मेरे बैंक खाते में आ चुका है, मैं आपको प्रूफ भी दे दिया और यहाँ पर लोन रिपेमेंट करने का भी ऑप्शन आ गया। आई होप कि आपको वीडियो दोस्तों बहुत ही पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम वीडियो मैं लाइव विद प्रूफ के साथ लाते रहता हूं। अगर विश्वास नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जरूर चेकआउट कीजिए। दोस्तों इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपको प्ले स्टोर के अंदर जाइए और स्वीट रूपी एप्लीकेशन के नाम से सर्च कीजिए और डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए से कैसे लोन अमाउंट अपने पेटीएम वॉलेट से आप किसी बैंक अकाउंट में ले सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेकआउट कीजिए। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट है या फिर सैलरीड पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह से आधार कार्ड और सिर्फ पैन कार्ड के जरिए से लोन अमाउंट इजीली ले सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट जरूर कीजिए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए एप्लीकेशन के साथ, आज के वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।